नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर पीडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं जय सिंह, आज के इस वीडियो में इंजीनियरिंग के एक अनोखे खास करियर ऑप्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आप सब लोगों ने मरीन इंजीनियरिंग में करियर कैसे बना इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे कमेंट किए हैं। तो चलिए, आपका मरीन इंजीनियरिंग में करियर कैसे बना इसके बारे में जानने का इंतजार हुआ खत्म। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में मरीन इंजीनियरिंग करियर ऑप्शन के तहत हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले मरीन इंजीनियरिंग क्या है, मरीन इंजीनियर क्या करते हैं, कोर्स, एंट्रेंस एग्जाम, बेस्ट इंस्टीट्यूट, करियर स्कोप, मरीन जॉब प्रोवाइडर कंपनी, सैलरी आदि के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जैसे कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मरीन इंजीनियरिंग में हाल ही के कुछ वर्षों में छात्रों का आकर्षण बढ़ा है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि इस फील्ड में देश विदेश घूमने की सहूलियत मिलती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग की दूसरी ब्रांचेस के मुकाबले अच्छी सैलरी मिलती है। इसके साथ ही साल के 6 महीने जहाज पर और बाकी महीने अपनी जिंदगी जीना। इसके अलावा कई और आकर्षक सुविधाएं मिलती हैं। यही वजह की बड़ी संख्या में स्टूडेंट इस फील्ड में जा रहे हैं। समुद्री इंजीनियरिंग को शिपिंग फर्मों, भारतीय नौसेना, शिपयार्ड, इंजन निर्माण कंपनियां, शिप डेवलपमेंट फर्मों, मरीन यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि में जॉब मिलती है। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं मरीन इंजीनियरिंग क्या है। मरीन इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जो समुद्री जहाजों के आर्किटेक्चर और साइंस से संबंधित है। मरीन इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशनल वर्क, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस जैसे वर्क होते हैं। इसमें ऑटोमेटिक वर्क, पाइपिंग कार्य और समुद्री जहाजों के कंट्रोल सिस्टम पर काम करना भी शामिल है। समुद्री इंजीनियरिंग एक अधिक मांग वाला क्षेत्र है। इसके साथ ही इस फील्ड में सफल होने के लिए कैंडिडेट को एक स्पेशल स्किल की नीड होती है। अगर आप सफल मरीन इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कुछ जरूरी स्किल्स होना चाहिए, जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल और मैथमेटिक स्किल्स, अच्छी मैनेजमेंट और प्लानिंग स्किल्स के अलावा और भी जरूरी स्किल्स होना चाहिए। तो चलिए, आपको बताते हैं एक मरीन इंजीनियर क्या करता है। मरीन इंजीनियर के कार्यों में कई कार्य शामिल होते हैं, जैसे कि समुद्री इंजीनियर को शिप और अन्य शिपों पर मशीनों, मैकेनिकल सिस्टम, इक्विपमेंट की निगरानी और मेंटेनेंस कार्य करना, सिस्टम और मशीनरी की सटीक रिकॉर्ड रखना और प्लान बनाना, मशीनों और इक्विपमेंट के टूटने के दौरान इसे रिपेयर करना, इसमें हेल्प प्रदान करना, इसके साथ ही पानी के नीचे रिसर्च करना, इसके अलावा और भी जरूरी कार्य करने होते हैं। तो चलिए, आपको बताते हैं कोर्स और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मरीन इंजीनियरिंग एक चुनौतीपूर्ण फील्ड है। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स से एंट्री की जा सकती है। भारत में बहुत कम संस्थान इंजीनियरिंग की इस ब्रांच में डिग्री और डिप्लोमा कोर्स संचालित कर रहे हैं। इन कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और उन्हीं कैंडिडेट को यानी कि स्टूडेंट को एडमिशन लेने का अवसर मिलता है। तो चलिए, आपको बताते हैं इन कोर्सों के बारे में और इसके योग्यता के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास 12वीं में PCM बैकग्राउंड के साथ न्यूनतम 60% अंकों के साथ अंग्रेजी में 50% पास होना चाहिए। इस कोर्स की ड्यूरेशन आमतौर पर 4 साल तक की होती है। इन कोर्सों की बात करें तो BTech इन मरीन इंजीनियरिंग, BTech इन नेवल आर्किटेक्ट और ओशन इंजीनियरिंग, BE इन मरीन इंजीनियरिंग। तो चलिए, आपको बताते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के बारे में। इंजीनियरिंग की इस ब्रांच में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में संचालित करने वाले कुछ संस्थानों द्वारा इस कोर्स को कराया जाता है। PG कोर्स करने में एडमिशन लेने के लिए BTech डिग्री या इसके समान कोई डिग्री में 60% अंकों से पास होना चाहिए। इसके साथ ही गेट क्वालिफाई कैंडिडेट इसमें एडमिशन करा सकते हैं यानी कि एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष तक की है। तो चलिए, आपको बताते हैं इन कोर्सों के बारे में। MTech इन मरीन इंजीनियरिंग, MTech इन नेवल आर्किटेक्ट और ओशन इंजीनियरिंग, ME मरीन इंजीनियरिंग। डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो डिप्लोमा कोर्स 2 महीने से लेकर 2 साल की अवधि तक पेश किए जाते हैं। ये कोर्स विशेष स्पेशलाइजेशन के आधार पर संचालित किए जाते हैं। इन कोर्सों की बात करें तो डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग सबसे
अच्छी बात यह है कि ऐसे कैंडिडेट जो इस फील्ड में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो इस फील्ड में रिसर्च कार्य करना चाहते हैं, तो इस फील्ड में पीएचडी कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस फील्ड में जाने के लिए आपके पास क्या शारीरिक मापदंड होना चाहिए। कैंडिडेट की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही फीमेल कैंडिडेट की लंबाई 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। कैंडिडेट की आंखों में कोई रोग ना हो। इसके साथ ही कैंडिडेट का विजन 6/6 इसके साथ ही 6/9 होना अनिवार्य है। तो चलिए आपको बताते हैं मरीन इंजीनियरिंग में कोर्स करने के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। मरीन इंजीनियरिंग में संबंधित कोर्स करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। भारत में टॉप इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की एक लिस्ट है, इसके बारे में आपको बताते हैं। जेई मेन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTE, बिटसेट, विडाला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, BIT विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, मणिपाल विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो चलिए आपको बताते हैं टॉप कॉलेज के बारे में, जिसमें सबसे पहला है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय कोलकाता, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी मुंबई, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मुंबई, तोलानी समुद्री विश्वविद्यालय पुणे, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय कोचीन, समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज मुंबई, इसके साथ ही विश्वकर्मा समुद्री संस्थान पुणे। तो चलिए आपको बताते हैं करियर स्कोप और जॉब के अवसर के बारे में। वर्तमान समय में मरीन इंजीनियरिंग करियर में काफी स्कोप है। इन दिनों शिप में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इक्विपमेंट का ज्यादा प्रयोग होने लगा है। इस कार्य को हैंडल करने के लिए मरीन इंजीनियर की जरूरत होती है। इंटरनेशनल स्तर पर शिपिंग कंपनीज की काफी बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में प्रोफेशनल लोगों की काफी डिमांड रही है। मरीन इंजीनियर अपना करियर शिप या फोर्थ इंजीनियर या थर्ड असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इंजन प्रोडक्शन फर्म, शिपिंग बिल्डिंग फर्म, रिसर्च बॉडी, शिप डिजाइन फर्म या भारतीय नौसेना में भी काम करने के मौके मिल सकते हैं। बंदरगाह पर स्थित मरीन वर्कशॉप में भी मरीन इंजीनियर की जरूरत होती है। अनुभवी मरीन इंजीनियर की आरटी सेक्टर, कंसल्टेंसी फर्म, कंस्ट्रक्शन कंपनीज और पावर सेक्टर, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी अच्छी डिमांड है। एक मरीन इंजीनियर भारतीय नौसेना में नौकरी पा सकता है। बी टेक्नीशियन या पायलट के रूप में नौसेना का हिस्सा बन सकते हैं। उन्हें मालवाहक जहाजों या पनडुब्बियों के टेक्निकल कर्मचारियों के रूप में रखा जा सकता है। भारत में सरकार का शिपिंग कारोबार व्यापक है, जो तेजी से बढ़ रहा है। भारत में क्रूज आधारित बिजनेस में काफी वृद्धि के साथ साथ इसमें करियर का दायरा अच्छी गति से बढ़ रहा है, जिसकी तुलना में मरीन इंजीनियर की शुरुआती पैकेज भारत के किसी भी इंजीनियर की सेक्टर में बेहतर है। तो चलिए आपको बताते हैं टॉप रिक्रूटर के बारे में। ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टोयो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, APJ सुरेंद्र ग्रुप, चिदंबरम इंस्टीट्यूट मैरीटाइम टेक्नोलॉजी, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विश्वकर्मा मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड आदि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रोफेशनल को हायर किया जा सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस फील्ड में कितनी तक की सैलरी मिलती है। इस क्षेत्र में शुरुआती से ही काफी अच्छा वेतन मिल सकता है। एक मरीन इंजीनियर की शुरुआती स्तर पर सैलरी 7.5 लाख से लेकर 10 लाख सालाना पैकेज मिल सकता है। खास बात यह है कि रैंक बढ़ने पर ये कमाई 1.5 लाख से बढ़कर 6 लाख या फिर इससे अधिक यानी कि महीना हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मरीन इंजीनियर कैसे बने इसके बारे में ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोज पाने के लिए करियरपीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में बने बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।